दोस्तों पंजाबी माइंड आइडिया चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम छत पे पीवीसी पैनल कैसे लगाएं का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हम जो आपको वायरिंग करना बताएंगे कि आप इसमें बिजली की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। और पार्ट वन वीडियो में हमने आपको छत पर जाल कैसे लगाते हैं पीवीसी पैनल लगाने के लिए उसके बारे में बताया था। और ये आपको कंप्लीट वायरिंग दिखा रहे हैं, जैसे सामने वो कोप की लड़ी के लिए वायर दी हुई है, ये सामने डीप है और इसी से हमने पॉइंट सारे लिए हैं। और नीचे ये बॉक्स है और इसमें भी दिए हुए हैं पॉइंट सारे। और हम आपको शुरू से इस वीडियो को दिखाते हैं हमने कैसे करी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये दीवार पे बॉक्स दिया हुआ है, जो पहले पुराना वाला बॉक्स था, इस पर सीट लगी हुई है। और ये ऊपर जो डीप दी हुई जो मैंने पहले आपको बताई थी, और उसमें से वायर मैंने निकाल दिया। और वो जो ऊपर वायर आपको दिख रही है वो वायरिंग की है। और सबसे ऊपर हमने ये डीप के ऊपर जो है पाइप जा रहा था फैन बॉक्स में, उसमें हमने ये तोड़ के वायर निकाल दी है ताकि वायर आपको कहीं भी दीवार पे दिखाई ना दे। और छत पे आप देखेंगे कि हमने जो तार जो लूपिंग करके इसमें शेडर लगाई हुई हैं, जो छत के साथ साथ ये जो ऊपर तार लेके गए हैं इसमें शेडर क्लिंप लगा दिए हैं और लूपिंग करके। और इसको जो हमने 8 पॉइंट बनाए हैं जो हमारा साइड पे बॉर्डर है उसके ऊपर लाइटिंग के लिए। और यो ये वायर है, आपको सबसे अच्छी वाली वायर डालनी है, मतलब कि बिल्कुल भी हल्की वायर कभी नहीं डालनी। और ये आसानी से आप कभी भी अगर कभी ख़राब भी हो जाए तो उसको आप चेंज कर सकते हो। और ये आखिरी पॉइंट्स है जो उस 8 लाइटों का दिया है। और आप देखेंगे जब हम छत पे पीवीसी पैनल लगा रहे थे उस टाइम हमने ये जो वायर है ये सारी पट्टे के बाहर की साइड, देखिए पैनल के बाहर की साइड निकाल ली थी, जिससे कि हमें कल को लाइट लगाने में बिल्कुल आसानी हो। और साथ में हमने कोप में लड़ी लगाने के लिए भी तार जो है पैनल में होल करके बाहर निकाल ली थी। और देखिए सीलिंग में जो है हमने पीवीसी पैनल की कटिंग कर रहे हैं लाइट के लिए। और वायर इस तरह से डालनी है कि कटिंग करने के बाद जो तार है वो अपना आराम से इससे बाहर आ सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और छत के बॉर्डर में देखिए लाइट की जो है कटिंग के बाद हमने कितनी आसानी से ये सभी जो तारे हैं ये बाहर निकाल लिए हैं। और अब इसमें जो हम लाइट भी लगा के आपको दिखाते हैं, देखिए सीलिंग में सारी लाइटें हमने फिट कर दी हैं। और इसका जो टेम्परेरी कनेक्शन अभी हमने ये डिब्बी से नीचे बॉक्स में दिया है। और अभी इस जो वायर को हम डिब्बी से बॉक्स तक अंडरग्राउंड पाइप में डालेंगे, जो अंदर पाइप पहले का डला हुआ है। ये ऊपर रही हमारी कोप की लाइट के लिए तार और नीचे डिब्बी पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट। और जो डिब्बी से जो वायर है हमने अंडरग्राउंड डाल के ये सीट के अंदर पॉइंट दे दिया और ये सीट भी नई लगा दी है। और ये देखिए जो शुरू में हमने वीडियो में आपको पिलर्स दिखाए थे लाइटिंग वाले, उसके लिए हमने ये वायरिंग करी हुई है। दो पॉइंट्स इधर दिए हैं और दो पॉइंट्स उधर दिए हैं, ये बीच वाली डिब्बी से दिए हुए हैं। और डिब्बी ये थोड़ी सी आउट है और इस डिब्बी के ऊपर हम जो ट्यूबलाइट लगा देंगे और ये पिलर्स जो है उसको फिट कर देंगे और उसमें वायरिंग दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का कमरा डेकोरेट करना है तो इसमें जो पीवीसी पैनलिंग के सभी पार्ट्स आप जरूर देखें शुरू से आखिर तक।